हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे सिवई उपमा। सिवई उपमा बनाने के लिए मैंने 160 ग्राम सिवई ली है। सिवई को एक कटोरी से नाप के लिया है। डेढ़ कटोरी सिवई है। जिस कटोरी से सिवई को नापा है इसी कटोरी से पानी लेंगे सिवई को पकाने के लिए। 100 ग्राम प्याज, प्याज को छील के लंबाई में काट लेंगे या बारीक काट लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी, 50 ग्राम कच्ची मूंगफली। मूंगफली के दानों को थोड़ी देर के लिए लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे भूनेंगे। मूंगफली के दाने क्रिस्पी हो जाएंगे। मूंगफली के दाने भुन गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। कढ़ाई में जो घी बच गया है इसमें सिवई भून लेंगे। सिवई को भी लगातार चलाते हुए भूनेंगे। सिवई भून गई है, सिवई का कलर चेंज हो गया है, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। जिस कढ़ाई में सिवई भुनी थी उसी कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। लगभग 30 ग्राम घी है ये। गैस फ्लेम लो है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने, आधी छोटी चम्मच चने की दाल, आधी छोटी चम्मच उड़द की धुली हुई दाल, 4 हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची को मैंने चाकू की हेल्प से बीच में से कट लगा लिया है। 10-15 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को दोनों साइड से चेक करेंगे, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। साफ पानी से धो लेंगे। हरी मिर्ची को बारीक काट के डालेंगे या चाकू से कट लगा के डालेंगे। अगर आप साबुत मिर्ची को गर्म घी या तेल में डालेंगे मिर्ची पटक के उछल के आपके ऊपर आ सकती है। लंबाई में कटे हुए प्याज डालेंगे, चला देंगे। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं भूना है। इसमें डालेंगे एक गाजर। गाजर को साफ पानी से धो के छील के काट लेंगे। वजन में 50 ग्राम गाजर है। 50 ग्राम फ्रेंच बीन्स। बीन्स को भी साफ पानी से धो के काट लेंगे, चला देंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैंने एक छोटी चम्मच नमक लिया है। चौथाई छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है। लाल मिर्ची डालना ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी उपमा बना सकते हैं। चला देंगे, एक मिनट के लिए भून लेंगे। आधा कप पानी डालेंगे, चला देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे। सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। सब्जी में जो पानी डाला था वो सूख गया है। सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं। इसमें डालेंगे भुनी हुई सिवई। जिस कटोरी से सिवई नापी थी उसी कटोरी से पानी लेंगे। सिवई का दुगना पानी लेना है। डेढ़ कटोरी सिवई के लिए 3 कटोरी पानी लेंगे, चला देंगे। गैस फ्लेम फुल कर देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे, फुल फ्लेम पे उबाल आने देंगे। उपमा में उबाल आ गया है, गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे, कढ़ाई को ढक देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं उपमा को पकते हुए, बीच में एक बार चला दिया था। आधे नींबू का रस डालेंगे निचोड़ के। नींबू का रस पलट पलट देंगे। उपमा में अभी थोड़ा सा पानी बचा है, कढ़ाई को ढक देंगे, गैस फ्लेम मीडियम रहने देंगे, थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। उपमा को 2 मिनट के लिए और पकाया है, बीच में एक बार चला दिया था।
उपमा में जो पानी डाला था वो सूख गया है। सिवई सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं। गैस फ्लेम बंद कर देंगे, कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। कढ़ाई को मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, चला देंगे। अगर आपको सिवई उपमा की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।